बुधवार आसनसोल में दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। डकैत लगभग 38 लाख रुपए की डकैती कर फरार हो गए। ये घटना आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत विवेकानंद सरनी स्थित इंडियन बैंक आरके मिशन ब्रांच में दोपहर लगभग 1:30 बजे की है। बताया जाता है कि 8 से 10 की संख्या में हथियारों से लैस युवक अचानक बैंक में घुस गए एवं सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरा का हार्ड डिस्क तोड़ा। इसके बाद उन्होंने ग्राहकों सहित बैंक कर्मियों और अधिकारियों को बंधक बना लिया एवं लूट की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने लगभग 38 लाख रुपए बैंक से लूट लिया और फरार हो गए। बताया जाता है कि डकैतों में से एक डकैत हेलमेट पहने हुआ था, बाकी के डकैतों ने खुलेआम इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में बताते हुए बैंक मैनेजर ने बताया कि अचानक 8 से 10 युवक बैंक में घुस आए और ग्राहकों समेत उन सबको बंधक बनाकर सारे रुपए लूट कर फरार हो गए। 8 থেকে 10 জন আছে সবাই আম সঙ্গেই ছিল। আচ্ছা যে বাবা ইচ্ছা করেছে বাবারে কাস্টমারকে বন্ধ করে দেয়, কাস্টমারকে বন্ধ করে দিয়ে চাবিটা ফেলে দিয়েছে, বাকি কাস্টমার কিছু এখানে আসছে কিছু ভেতরে বসে নেই। वही एक महिला ग्राहक ने क्या कहा आइए सुनते हैं। হিন্দিতে বলছিল না বাংলায়? আমি বুঝতে পারলাম বাংলা বললাম হিন্দি। হাতে কি ছিল? হাতে আমি হাতে কিছু দেখিনি দাদা। इधर घटना की सूचना मिलने पर सभी थानों के प्रभारी सहित उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस अब बैंक के आसपास और रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। पुलिस को अनुमान है कि रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों से डकैती में शामिल अपराधियों का सुराग मिल सकता है। बताया जाता है कि नेशनल हाईवे से महज थोड़ी ही दूरी पर बैंक मौजूद है, इसलिए अपराधियों को भागने में कोई परेशानी नहीं हुई। दिन दहाड़े हुई बैंक डकैती की घटना ने बैंकों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।